this is one of Akshay Kumar's movie which is really exciting, and it looks completely different. The story is also a bit different. So I'm leaving out of town, so I just anyhow wanted to see it today before leaving, so you know I can just see what new they have done. मुझे तो बहुत सही लग रही है पिक्चर. ये चलने वाली पिक्चर है. खुशबू आ जाती है जैसे ना. The promos fantastic. I feel it's very good. बहुत अच्छा लग रहा है कि with the star cast of Akshay and Anupam Kher ji and Rana and everyone, I think it's going to be quite an amazing film. मुझे हमेशा एक्शन फिल्म बहुत पसंद है, एंड स्पेशली नीरज से. नीरज की जो फिल्म होती है वो बहुत ही ग्रिपिंग होती है और बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग होती है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. आई थिंक नीरज पांडे ने दोनों हमें इतनी बेहतरीन फिल्म दिए हुए हैं कि एक्सपेक्टेशन उन्होंने पहले ही यहाँ लिया है कि अब तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते अपार्ट फ्रॉम बींग इट द बेस्ट एंड मेकिंग इट अ बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री अगेन. मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलूँ, बिकॉज अक्षय इतने अच्छे एक्टर है कि मुझे राइट भी नहीं है बोलने का, एक्सेप्ट बीइंग अ फैन एंड एज एन ऑडियंस आई कैन से ही इज वंडरफुल एंड आई थिंक एवरीवन इज वेटिंग फॉर दिस फिल्म. एक्चुअली सच्ची बोलूँ तो आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं. मेरे को मतलब कोई डाउट नहीं है कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी हुई है और डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाली है. मुझे एक्साइटमेंट ये देखने की है कि लोग मेरा जो रोल है उसको कैसे परसीव करते हैं. मतलब इतना डिफरेंट होने वाला है पहली वाली पिक्चर से, तो देखते हैं वो कैसे देखते हैं लोग. अक्षय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आई थिंक ये बहुत अलग होगा कंपेयर टू बाकी हीरोइनों से, क्योंकि पहली बार एक लड़की उनकी पिक्चर में है, उनको रोमांस नहीं कर रही है, इनफैक्ट एक्शन कर रही है, उनकी कोलीग है. तो इस तरह से देखा जाए तो एक बड़ा अचीवमेंट सा फील होता है अक्षय कुमार की पिक्चर के अंदर एक एक्शन सीक्वेंस करना बिना उनके प्रेजेंस के. आपको लगता है इसके लिए ग्लैमर होगा? मैं कोई भी हाई बूट्स डाल के, लेदर पैंट्स डाल के एक्शन नहीं कर रही, मैं सलवार कमीज डाल के एक्शन कर रही हूँ. तो आपको इसके अंदर बहुत ही रियल और बहुत ही सटल लुक मिलेगी मेरी. आई थिंक प्रोमोज देखकर मुझे बहुत पसंद आए थे एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन अ फैन ऑफ नीरज पांडेज वर्क. उन्होंने जो फिल्में बनाई है स्पेशल 26 वेडनेसडे मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन इज वेल. या आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग फ्रॉम द टीजर्स फ्रॉम द प्रोमोज दैट वी हैव सीन, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. नहीं आई थिंक उन्होंने ये फिल्म तभी साइन की थी बट वी आर शूटिंग फॉर हॉलीडे. हाँ मुझे याद है तब उन्होंने जिक्र किया था, एंड जब यू कुड टेल दैट जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे दैट ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्लॉट अबाउट वर्किंग विद नीरज एंड ऑल्सो. या लेट्स सी हाउ द रिजल्ट.